आज यहाँ हुए सभी साथियों को, सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज 50 और बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस, दिल्ली के लोगों को सड़कों पे मुहैया होने जा रही हैं। इसके साथ हमारी अब 300 इलेक्ट्रिक बसेस हो गई हैं दिल्ली के अंदर। बहुत कम समय में हमने इतनी सारी इलेक्ट्रिक बसेस एक्वायर कर ली हैं। इसके लिए मैं सभी ऑफिसर्स का, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके ये सारी प्रोसीजर्स पूरे किए, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ और दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि ये सुविधा उनके लिए उपलब्ध हो रही है। एक मैं आपको पूरा ओवरऑल दिल्ली में बसेस का जो अब स्टेटस है वो बता देता हूँ। दिल्ली में अब हमारे पास टोटल 7379 बसेस हो गई हैं। ये आज तक की पूरे 75 साल की सबसे ज़्यादा बसेस हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर। इतनी बसेस कभी दिल्ली की सड़कों पे नहीं हुई थी। तो बीच में कई साल अकाल पड़ा था जब दिल्ली में नई बसें खरीदी नहीं गई थी, कई सालों तक नई बसें नहीं खरीदी गई थी। और हमें भी, मुझे याद है, बीच में कहा गया कि इतने साल हो गए बसें नहीं खरीदी गई। जैसे कहावत है, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो दिल्ली सरकार भी जब काम करना शुरू करती है तो फिर छप्पर फाड़ के काम करना शुरू करती है। एक बार खरीदना शुरू किया तो फिर खूब सारी बसें अब एक साथ खरीदी जा रही है। तो 7379 बसेस खरीदी जा टोटल हैं हमारे पास, जिसमें से 4060 बसेस डीटीसी में हैं और 3319 बसेस डिम्स के थ्रू ऑपरेट की जा रही हैं, क्लस्टर में हैं। तो ये हमारी टोटल बसेस हैं। टोटल इनमें से 300 बसेस इलेक्ट्रिक बसेस हमारी हो चुकी हैं। डीएमआरसी 100 बसेस ऑपरेट करता है इलेक्ट्रिक बसेस, लेकिन डीएमआरसी वो ठीक से चला नहीं पा रहा, तो डीएमआरसी की बसेस हमने टेक ओवर करने का प्रोसेस चालू कर दिया। उसको अब हम ही चलाया करेंगे उनके फीडर रूट्स के ऊपर डीएमआरसी के। और उनकी 100 बसेस डीएमआरसी के फीडर रूट्स पे सफिशिएंट नहीं है, तो उसको इस साल बढ़ा के, 2023 में बढ़ा के 480 बसेस हम कर देंगे। तो डीएमआरसी के फीडर रूट्स पे 480 बसेस हो जाएंगी। तो ये अगर 100 एग्जिस्टिंग बसेस दिल्ली मेट्रो की जो हम टेक ओवर कर रहे हैं, 100 वो और 300 ये, तो 400 बसेस तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो गई। बॉम्बे, सबसे ज्यादा बसें बॉम्बे में हैं पूरे देश में, जिसमें 406 बसें हैं। तो उनसे बस 6 बस पीछे रह गए, उसके बाद हम भी सबसे ज़्यादा बस वाले दिल्ली में हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक बसेस वाले। तो आने वाले समय में, इस साल 2023 के साल में, हम 1,500 और नई इलेक्ट्रिक बसेस खरीदने जा रहे हैं। तो अभी ऑलरेडी 300 बसेस हैं। ये 300 बसेस के साथ हमारा फेज 1 पूरा हो जाता है इलेक्ट्रिक बसेस का। अब फेज 2 होगा, जिसमें 1,500 और बसें खरीदी जाएंगी। वो 2023 में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, 2023 के एंड तक 1,500 और बसेस खरीद के 1,800 ये और 480 वो, तो 2,280 इलेक्ट्रिक बसेस अपने पास 2023 दिसंबर तक हो जाएंगे। 2025 के अंत तक, इसके अलावा, 2,280 जो बसेस हैं, इसके अलावा हमारे पास 6,380 बसेस और खरीद रहे हैं इलेक्ट्रिक बसेस अगले 2 साल में। तो 2025 के अंत तक ओवरऑल पिक्चर होगी कि 10,480 बसेस टोटल होंगी दिल्ली में, जिसमें से 8,280 बसेस इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। 80% बसें दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस हो जाएंगी 2025 के अंत तक। तो अगर इतनी सारी इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी तो हमें इसके साथ साथ उनकी भी चार्जिंग स्टेशंस की खूब जरूरत पड़ेगी, बस डिपोज की जरूरत पड़ेगी। तो बस डिपो के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। 56 बस डिपोज को इलेक्ट्रिफाई किया जा रहा है। ये पूरा 1,500 करोड़ का बजट है। इसमें 3 डिपोज को ऑलरेडी इलेक्ट्रिफाई किया जा चुका है, 17 डिपोज को जून 2023 तक किया जा चल जा जाएगा और 36 डिपोज दिसंबर 2023 तक हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन को कम करने की दिशा में ये कितना, एक तो बसें तो बहुत अच्छी हैं, इनमें बसेस में सारी मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, जितना भी जो भी हम सोच सकते हैं सारे हैं। जीपीएस सिस्टम है, पैनिक बटन है, इन कैमरा है, अंदर सब कुछ है।
इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा इन इलेक्ट्रिक बसेस का है कि जो पोल्यूशन की अपनी दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसको सारे दिल्ली वालों ने मिलके इसको काफी सॉल्व किया। आज एक बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे खबर भी थी कि पिछले 7 साल में सबसे ज्यादा क्लीन ये वाला पिछला साल 2022 रहा है इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन। अभी भी और काफी कुछ करने की जरूरत है, लेकिन ये पोल्यूशन में भी जो अचीव किया उस दिशा में इलेक्ट्रिक बसेस का ये जो एक्विजिशन है, ये बहुत बड़ा काम करेगा। तो मैं फिर से दिल्ली के सब लोगों को बता, ये बेहद शर्मनाक घटना है और समझ में नहीं आता कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, जब कुछ लड़कों ने अपनी गाड़ी से एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। अभी उसका पोस्टमार्टम मैंने पता किया था, अभी पोस्टमार्टम शायद चल रहा है, और जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी, मैं उम्मीद करता हूं कि और अपील करता हूं कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हो जो दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है, ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए।